वैसे तो सारे ही एंड्रॉइड यूजर जो है उन्हें पता है कि इसके लिए प्ले स्टोर पे जाना है, लेकिन फिर जी से डिमॉन्स्ट्रेट कर दे कि आपने यहाँ पर ओटर लिखना है, ठीक है सर। ओटर लिख के तो आप सर्च ओपन यहाँ से इंस्टॉल का बटन आ जाता है, वो आप इंस्टॉल करेंगे तो ये वापस आप आ जाए अब और आइकन आता है इसका, उसके साथ वोटर लिखा आता है उसको क्लिक करेंगे तो ये ओपन हो जाता है। यहाँ से वोटर का जो मेन फंक्शन ये है कि ये वॉइस को कन्वर्ट कर देता है रिटन टेक्स्ट में, यानी आपकी ये डिक्टेशन का असिस्टेंट है, जो आप इसको बोलते जाते हैं ये लिखता जाता है। ठीक है, जी आपको सर। आपको ये करना है, मसलन मैंने एक दफा मुझे एक ऑडियो की टेक्स्ट चाहिए थी और वो मैंने यूं किया कि अपना जो कंप्यूटर है उस पे वो यूट्यूब की वो वीडियो ऑन कर दी, वो चूंकि जी इंग्लिश में थी और यहाँ से ओटर जो है उसको ऑन करके मोबाइल को उसके साथ रख दिया। ठीक 10 मिनट की वीडियो थी, 10 मिनट के बाद मैं वापस आया तो उसने सब कुछ मेरे लिए ट्रांसक्राइब करके रखा हुआ था। ठीक जबरदस्त है, जी सर। इसकी बजाय कि मैं सुनता एक सेंटेंस उसका सुनता, फिर उसके बाद लिखता दूसरा सेंटेंस सुनता, फिर उसको टाइप करता, मेरी अपनी जो टाइपिंग स्पीड है वो कोई इतनी अच्छी नहीं है। अनफॉर्चुनेटली हालांकि थीसिस लिख लिए, इतने आर्टिकल्स जो है उनको कर लिया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैं ये स्किल डेवलप ही नहीं कर पाया। कुछ लोग होते हैं जिनकी टाइपिंग स्पीड बहुत अच्छी होती है। गोहर, आपकी सर टाइपिंग स्पीड कैसी है? बहुत अच्छी नहीं है सर। हालांकि टाइपिंग बहुत काम होता है, लेकिन वो मेरा माइंड, वो मूवमेंट जो फिंगर्स का, वो जो बहुत लोगों का क्विक होता है, उतना अच्छा नहीं है। लेकिन सर ठीक है सर, बढ़िया कुछ लोग जो है वो टच टाइपिस्ट होते हैं, वो स्क्रीन की तरफ देख रहे देखिए होते सर पहले। बिल्कुल सर। हैं और बस कीज प्रेस किए जा रहे होते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली नहीं डेवलप कर पाया। तो अगर आपकी भी ये प्रॉब्लम है तो ये ट्रांसक्राइबर जो है, सॉरी ऑटर जो है, ये आपका बेहतरीन साथी है और बड़े ही आसान तरीके से आपके जो इश्यूज है, आप सिर्फ इसको इसको आपने सिर्फ बोलते जाना है उर्दू में किसी से, अगर आप उसको सुन लिया मैंने जो तरीका बताया है, अगर वो कोई रिपीट कर दे तो गोहर सर आप आपने रिपीट बताया, जी सर आपने बताया सर कि हम अपने इसको मोबाइल पे उसको करके डाउनलोड करके होटल को प्ले स्टोर से, उसके बाद हम जैसे अभी एक और भी हमारी कुलीग बता रही थी कि हम एक और मोबाइल को या फिर अपने सिस्टम को वहां से एक डिवाइस में वो डेटा ऑन हो जाए रिकॉर्डिंग तक के वो हो सके, और दूसरे में होटल को वो ऑन कर दें, तो फिर वो ट्रांसलेट उसको कर देगा पूरा, स्क्रिप्ट में ले आएगा। जी। अगर तो वो इंटरव्यू इंग्लिश में है फिर तो वो आप डायरेक्टली जो है ओटर को ऑन बिल्कुल कर दें और वो आपकी वो आवाज सुनता जाएगा और उसको ट्रांसलेट करता जाएगा। और सर अगर सॉरी उर्दू में है तो आपने बताया कि हम जैसे आप, मैं एक सेंटेंस बोलूं उसको इंग्लिश में बोलूं और वो फिर इस तरीके से होता जाएगा पढ़ के हाँ, एक आप एक जो कुछ भी सेंटेंस। सर बोल दें, मैंने नेट पे मैंने देखा था, जी दूसरी कोई जिस तरह उर्दू में आप करें और खुद ब खुद वो इंग्लिश में ट्रांसलेट करना शुरू कर दे, लेकिन कहीं भी मुझे उर्दू का इतना नहीं मिला था। अरबिक और दूसरी लैंग्वेजेस का था कि वो अगर लैंग्वेज की मतलब रिकॉर्डिंग आप डालें तो वो इंग्लिश में ट्रांसलेट कर देगा, लेकिन उर्दू का मुझे कोई एक मतलब अच्छा सा कोई नहीं मिला। नहीं, वो नहीं है अभी तक तो मेरे मेरे खुद अपने इल्म में नहीं है, लेकिन अगर जी टेक्नोलॉजी हर हर दूसरे दिन आपको हैरान कर देती है, जो वो काम बिल्कुल जो पहले नामुमकिन होता है वो मुमकिन हुआ दिखाई देता है, तो ये पॉसिबल है कि हो सकता है कोई और सॉफ्टवेयर जो है ये सारा काम कर रहा हो। ठीक है, उसे भी कर रहा हो, लेकिन सर ये एक मैं शेयर करूं इसके हवाले से, ये जी जी जो प्लीज ये सॉफ्टवेयर के सर ये गूगल ट्रांसलेट है, ये मोबाइल में भी इंस्टॉल हो जाता है, इसके अंदर ट्रांसक्रिप्शन भी हो जाती है, अनलिमिटेड आपके पास है। मैं पता नहीं काफी सालों से ये रखा हुआ है,
सर जब ट्रैवल भी करना होता है मैं साथ ले जाती हूँ कि मैं उर्दू या अंग्रेजी बोलूँ तो वो अगला टर्किश में या किसी और जुबान में अगले को बता देता है। इसी तरह आप अपना इंटरव्यू अगर उर्दू में आप बोल रहे हैं तो अगर ये मैं अभी जहन में आया कि अगर मैं उस वक्त ये कर सकती हूँ तो उर्दू बोल के वो आपकी अंग्रेजी भी कर सकता है और ये जी, अनलिमिटेड है। ये डिफरेंट डिफरेंट आपके टूल्स हैं जिनको आप यूज कर सकते हैं। ओटर का ये एक इम्पोर्टेंट फीचर है कि उसके जो स्पीकर्स हैं ना उनको आइडेंटिफाई करता है। स्पीकर्स जो है, अगर डिफरेंट स्पीकर्स हैं, मसलन आपने ऑडियो रिकॉर्ड की है, इंटरव्यू किया है, और दो डिफरेंट पर्सन्स वो टर्न बाय टर्न बात कर रहे हैं, तो वो उनको स्पीकर वन स्पीकर टू के नाम से वो देता जाता है, या कोई और नाम जो उसकी ऐड किया गया है, तो वो देता जाता है, और आपके लिए आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि ये जो है, जब ट्रांसक्राइब होके आपके पास आ जाता है, तो आप क्लियरली आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि अच्छा, ये मेरा सवाल था, ये इसका मेरे पार्टिसिपेंट का जवाब था। तो ये एक इसका बेनिफिट है कि ये इसकी फॉर्मेटिंग भी उसी हिसाब से करता जाता है उस टेक्स्ट की। सर वैसे आपने कभी गूगल ट्रांसलेट से यूज किया है? नहीं, गूगल ट्रांस असल आपको बताऊं कि जो ये ट्रांसक्रिप्शन का काम मुझे मैंने पीएचडी के दौरान किया है, और वो है 2014 के 14-15 के वक्त में। उसके बाद क्या है कि जब जब असिस्ट एज अ प्रोफेसर असिस्टेंट प्रोफेसर यूनिवर्सिटी में काम कर रहा हूँ, तो स्टूडेंट्स का प्रोजेक्ट्स होते हैं, वो ही कंप्लीट करते हैं। मुझे अभी तक वो उस तरह से नहीं करना पड़ा। एक एक आध जो है वो अपना प्रोजेक्ट लिया था, एचईसी से फंडेड था, तो उसमें उसमें भी एचईसी ने जो जो फंड्स थे उसमें 6 महीने के लिए एक असिस्टेंट हायर कर सकता था मैं। तो फिर जब हमें उसकी पेमेंट हो रही है, तो हम क्यों खुद से वो ये टास्क कंप्लीट खुद करें। तो उसके लिए फिर वो रिसर्च असिस्टेंट जो थी, उसने जो है वो सारी ट्रांसक्रिप्शन, 40 इंटरव्यूज थे, वो सारे के सारे उसी ने ही उसको इंटरव्यूज करके उसको भेज दिए जाते थे, वो ट्रांसक्राइब जो है वो कर देती थी। उसको बाद में जी हम बार दफा चेक कर लेते थे, वरना तो इसलिए अभी जो रिसेंट जो अगर आप मेरे एक्सपीरियंस का पूछें कि मैंने ट्रांसक्राइब किया, तो नहीं, प्रोफेसर खुद, अब मुश्किल होता है कि वो खुद ट्रांसक्राइब सर को, ये एक मैनुअल जी वर्क है जिसके लिए जो सर्विसेज है वो एक्वायर की जा सकती है। बिल्कुल सही लेकिन सर मैं आपके लिए जो आसान सा एक टूल है वो बता रहा हूँ कि आप ये टूल यूज करके, लेकिन जी इसकी सर एक्यूरेसी कोई ये नहीं कहना कि ये बिल्कुल एक्यूरेटली वो काम कर देगा। आपको उस पर नजर रखनी पड़ेगी कि आप बोलते जाएंगे और ये सब कुछ कर देगा। बिल्कुल जितनी सही जितनी भी टेक्नोलॉजी है सर उसमें इश्यूज तो रहते हैं, 90% या 95% जो है वो एक्यूरेसी होती है, बाकी 5% जो है वो हमारे बैकग्राउंड से, ये हमारे जो एक्सेंट है, जो पाकिस्तानी इंग्लिश का एक्सेंट है, उसकी वजह से वो कंफ्यूज सॉफ्टवेयर हो जाता है और वो कुछ और इंटरप्रेट कर लेता जी सर ऐसा ही है। वो है। ऐसा जिसने उसने अमेरिकन ही लाइफ स्टफ बोला था वो आ गया लाइफ स्टाइल, मॉडर्न बोला था वो आ गया था वॉटरन। तो वो मैंने पहले ट्रांसक्राइब करके फिर उसकी दोबारा ऑडियो मतलब सुन के तो साथ साथ देख रही थी कि कहीं नहीं गलत वो हो गया, और मतलब अच्छा खासा इसमें टाइम लगा था। लेकिन ये है जी, कि जिसकी अच्छी इंग्लिश है वो बिल्कुल वर्ड सही ट्रांसक्राइब कर देता है। सर इसका एक फायदा और है ओटर का कि ये जो स्पीकर के कीवर्ड्स है ना, समरी कीवर्ड्स वो ऊपर दे देता है तो आपको पता चल जाता है, वहीं से आप अपने जो थोड़ा सा एनालिसिस करते वक्त भी आपको हेल्प मिल जाती है। मुझे एक ना इसी से एग्जांपल याद आ गई। ये खाली सॉफ्टवेयर ही नहीं, ये ह्यूमन बीइंग्स भी जो है वो भी इंटरप्रेट जो है वो डिफरेंटली कर सकते हैं। मैं जब ऑस्ट्रेलिया पहली दफा शिफ्ट हुआ, तो मुझे प्रॉब्लम थी कि मुझे एक डॉक्टर चाहिए था। अब जरा वर्ड जो है जरा इसी पे ही जरा देखिए, मैं मार्केट किया एक शॉप,
पे गया तो वो कहता है, मैंने कहा कि आई नीड एन अडॉप्टर, वो कहता है यू नीड अडॉप्टर, वो कहता है कि यहाँ से तो डॉक्टर नहीं है. मैं अब उसको पूरा फिर उसकी एक्सप्लेन करना पड़ा कि अडॉप्टर क्या चीज है. हम तो आम लफ्ज हम आम बोलते हैं अडॉप्टर अडॉप्टर, ओ यू मीन अडॉप्टर. अब फाइनली वो इस चीज पे आए कि जी मैं जो है वो अडॉप्टर जो है वो ढूंढ रहा हूँ. तो हमारी इंग्लिश तो फिर वो जो एक्सेंट के साथ है ना, तो जो एक्सेंट है वो लाजमी बात है कि इन्फ्लुएंस करता है द वे मशीन इंटरप्रेट्स इट. या ह्यूमन बीइंग्स भी जो है वो भी जब इंटरप्रेट करते हैं तो उसमें हमारे एक्सेंट का इन्फ्लुएंस आ जाता है. ये कोई नहीं ऐसा मसला, लेकिन आपको उस पर नजर रखनी है. मैं ये इसलिए वार्न कर रहा हूँ कि जब आप ये ना कहें कि मैंने एक दफा मैंने तो ऑटर से किया था इसलिए एवरीथिंग इज करेक्ट, नहीं ऐसा नहीं होगा. कुछ चीजें जो है उन पे आपको नजर रखनी पड़ेगी क्योंकि उसमें प्रॉब्लम आ सकती है.